वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। टीवी 9 के एग्जिट पोल को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के व्यापारी हैं, सीधा उनसे जानेंगे। कल एग्जिट पोल आ गए हैं, क्या जो उम्मीदें थी किस तरीके का रेस्पॉन्स एग्जिट पोल में देखने को मिला? देखिए, एग्जिट पोल से साफ साफ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज। विपक्ष को सिर्फ उनकी कि ये प्रधानमंत्री ऐसे कर रहे हैं वैसे अनाप शनाप मुद्दे, और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और प्रधानमंत्री ने साइलेंट तरीके से पूरे देश को चलाया और बिल्कुल ये देखिए पूरे चुनाव निपट गए। आज वो कल एकांतवास से उठे हैं और अब इस पर भी बहस होने लगी है। लोगों को मतलब किसी तरह का करने का कुछ वो नहीं है। और आप देख रहे हैं मुद्दे नहीं, 4 तारीख को अभी तो एग्जिट पोल ने दिखाया है, हो सकता है इससे पार भी हो जाए, कुछ नहीं पता। ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जी, जनता के द्वारा इस बार किस तरीके का आशीर्वाद दिया गया है? जनता के द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार एनडीए की बन रही है, अब की बार 400 फिर से एक बार मोदी सरकार। लगातार जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार वो जीत हासिल कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो एग्जिट पोल के नतीजों से ही साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 4 तारीख के बाद आप स्वयं देख पाएंगे, सारी जनता मोदी जी के साथ है पूर्णतया। एक बार फिर के द्वारा मतदान किया गया है, TV9 का एग्जिट पोल आया है, कुछ कहेंगे? अभी तो ये रुझान है, परिणाम आने बाकी हैं, 4 तारीख को देखते हैं। उम्मीद इससे ज़्यादा की है और प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करा है। ऐसा नहीं क्या एक वर्ग के लिए करा है, जो भी उनकी योजनाएं रही हैं वो हर वर्ग के लिए दी है। इसी बात का उनको समर्थन मिला है और किसी ने ये नहीं देखा सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिला है, और मिलना भी चाहिए ताकि उन्होंने कभी भी 10 साल के पूरे कार्यकाल में अपने किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखा। जो भी उनकी नीतियाँ आई या जो भी योजनाएं आई वो सभी वर्ग के लिए एक समान है। तमाम राजनीतिक पार्टी आपने देखा एक साथ इकट्ठा हो गई और जो है एनडीए के सामने मुकाबले पे आई, तो जनता ने किस तरीके का आशीर्वाद दिया? भाई साहब, सब जने सब एक साथ जरूर आए, मगर मन कहते मन भेद और मत भेद में फर्क था। आए जरूर थे मगर अंदर से मन मिटाओ सबके था, और ये पब्लिक सब देख रही थी। या किसी राज्यों में तो सब एक साथ थे, कई राज्यों में अलग अलग थे। मतलब अगर पंजाब को ही ले लें तो वहाँ पे केजरीवाल कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे और जगह एक जगह कर रहे थे। तो पब्लिक अब सब समझती है, ऐसा नहीं है, और उसने अपनी समझदारी का परिचय दिया है। बाकी 4 तारीख को जो निर्णय आएंगे उसका हम स्वागत करें। जी सर, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हुआ है, अब जो है एग्जिट पोल आ गए हैं, क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल को लेकर? स्पष्ट है, एग्जिट पोल तो पहले से तय था कि मोदी की सरकार आनी है, एनडीए को 400 के करीब आनी है, वो लगभग आ रही है आपके रुझानों से, और ये तय है कि देश का भला हो और देश के लिए काम हो, इसलिए मोदी जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए कुछ करें, यही हमारी तमन्ना होगा। क्या उम्मीद है आपको? और उम्मीद यही है कि देश के लिए बढ़िया होगा, हमारे राष्ट्र के लिए, जो हमारी हिंदुत्व की भावना और देश की भावना भारतीयता हम लोगों में जगेगी और हम लोग देश के लिए कुछ कर सकेंगे, देश का कल्याण, यही हमारी भावना और यही हमारी इच्छा। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। TV9 के एग्जिट पोल पर मुरादाबाद के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।